एक रोज दिल्ली की एक कोर्ट में किसी मुजरिम को लगातार आवाजें लगाई जा रही थी, धनी राम मित्तल हाजिर हो। कुछ देर बाद वो शख्स दो पुलिस वालों के साथ एंटर करता है और कटघरे में जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही जज साहब की नजर उस पर पड़ती है, वो एकदम कुर्सी से उठते हैं और गुस्से से तमतमाते हुए कहते हैं, निकल जाए यहाँ से। अब इतना सुनते ही तीनों चुपचाप कोर्ट से बाहर चले जाते हैं और चाय की टपरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ मुजरिम बड़े शातिर अंदाज में कहता है, जज साहब ने कहा कि तुम चले जाओ तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब तुम भी अपने दफ्तर चले जाओ। वो लोग कुछ सोच पाते इससे पहले ही धनी राम रफू चक्कर हो गया। थोड़ी ही देर बाद फिर से अदालत में जोर जोर से आवाजें लगी, धनी राम मित्तल हाजिर हो। ये सुनते ही सिपाहियों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि धनी राम तो उन्हें लॉलीपॉप पकड़ा कर जा चुका था। धनी राम ने ये जो किया था बस एक नमूना है, उसने अपने कारनामों से हरियाणा से लेकर दिल्ली, पंजाब और राजस्थान तक की कोर्ट को हिला रखा था साहब। क्या नटवर लाल, क्या चार्ल्स शोभराज और क्या सुकेश चंद्रशेखर, ये सब तो महज प्यादे थे। इस शतरंज का असल बादशाह तो धनी राम था, जो जज बनकर 40 दिन तक अपने ही केस की सुनवाई करता रहा। लेकिन कैसे, आज जानेंगे हम दुनिया के सबसे शातिर चोर की कहानी। बने रहिए एंड तक हमारे साथ। साल 1939, जगह हरियाणा का भिवानी शहर, जहां एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है धनीराम। पूरा परिवार पढ़ा लिखा था, इसलिए धनीराम भी पढ़ने लिखने में काफी इंटेलिजेंट था। वो शुरू से ही सरकारी नौकरी के सपने देखा करता था, लेकिन इससे पहले वो IAS या फिर IPS बन पाता, वो ठगी और चोरी की दलदल में फंसता चला गया, जिसकी शुरुआत होती है 1964 से। दरअसल एक रोज वो अपने शहर के RTO के दफ्तर पहुंचता है लाइसेंस बनवाने के लिए, जहां बाहर दलाल बैठे थे जिनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है और वो फटाफट कागज बना रहे थे, जिससे लोगों को इजीली लाइसेंस मिल रहा था। उसे ये सब देखकर बड़ा अजीब लगा कि लोग अंदर धक्के खा रहे हैं, लाइन में लोग लगे हुए हैं और बाहर दलाल चुटकियों में काम करा रहा है। ये सब देखकर उसने सोचा कि अब सरकारी नौकरी पता नहीं कब मिलेगी, तो क्यों ना यही काम करूं। उसने RTO के बाहर एक दो दलाल से दोस्ती की और अब वहीं डेरा जमा लिया। तभी उसे पता चला साहब कि यहां फर्जी पेपर भी बनते हैं। अब वो फर्जी पेपर बनाने में भी माहिर हो गया, लेकिन उसकी मंजिल ये नहीं थी। 4 साल में ही उसका इस काम से जी भर गया। उसने फिर से नौकरी ढूंढना शुरू की। तभी उसे अखबार में एक एड दिखी। एक्चुअली रेलवे में कुछ नई भर्तियां निकली थी और वो भर्तियां थी स्टेशन मास्टर की। अब धनीराम ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और स्टेशन मास्टर बन गया। लेकिन ये भी धनीराम की मंजिल नहीं थी। उसका ये धंधा पानी 6 साल तक तो चला। फिर से उसने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और चल दिया नए कारनामे उर्फ काम की तलाश में। एक दिन वो चाय की चुस्की लेते हुए अब कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नजर अखबार पर पड़ती है, जिसमें गाड़ियों की चोरी की खबर छपी थी, जिसमें लिखा कि चोरी की 2-व्हीलर 4-व्हीलर गाड़ियां काफी महंगे दामों में बेची जाती हैं और बड़ा आसान धंधा है, गाड़ी उठाओ और किसी को भी बेच दो, ठग एक दिन में हजारों रुपए कमा लेते हैं। उसे ये धंधा अच्छा लगा साहब। अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंचा और कार चुरानी शुरू कर दी। अब उसे लगा कि भैया गाड़ियां चुराना तो आसान है, लेकिन बेचना बड़ा मुश्किल, तो क्या करें। तब उसे याद आया कि फेक पेपर बना सकता है। अब वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर चोरी की गाड़ियां सेल करने लगा। वो कई बार कार चुराते हुए या बेचते हुए पकड़ा भी जाता, जेल जाता, लेकिन बाहर आते ही फिर से अपने काम में लग जाता। अब ये सिलसिला चलता रहा। जेल आना जाना उसके लिए नॉर्मल हो चुका था। वहीं इस दौरान उसे अदालतों के चक्कर भी काटने पड़ते। अब एक दिन यूं ही उसके दिमाग में एक बात हिट की कि जो वकील लोग हैं ये बड़े पैसे कमाते हैं। फिर उसने वकील और पुलिस की दोस्ती देखी। फिर उसने देखा कि अगर केस की नॉलेज हो तो छूटना भी आसान है। फिर उसे लगा कि नहीं, थोड़ी देर तक कार चोरी का धंधा ये रोक देते हैं। अब उसको धुन सवार हुई कि वो वकील बनेगा। इसके बाद वो दिल्ली छोड़ता है और जयपुर पहुंच जाता है। वो LLB करता है, वकालत शुरू कर देता है। लेकिन फिर वकील बनने के बाद धनीराम को लगा कि उसे वकालत नहीं करनी, बल्कि वकील बनकर पैसे कमाने थे। मकसद तो कुछ और ही था। फिर उसने हैंडराइटिंग का कोर्स किया, क्योंकि उसे फर्जी दस्तखत करने थे फर्जी पेपर पर। वकालत और हैंडराइटिंग का कोर्स करने के बाद वो फिर से दिल्ली आया और अपने पुराने धंधे में लग गया। फिर से पकड़ा जाने लगा, कोर्ट में पेशी होने लगी, ये सब सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन उसे फायदा ये हुआ कि अब वो कानून जानता था, तो वो खुद ही अपना केस लड़ता और जो पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाते वो अदालत में दलीलें देकर उन पुलिस वालों के ही कपड़े फाड़ देता। उसे पता था कि केस की कमजोर कड़ी कहां होती है, अदालत कौन से सबूतों को मानती है, किसको नहीं मानती, गवाह क्या होता है। यानी एक चोर कोर्ट में अपनी लॉ की पढ़ाई का पूरा यूज कर रहा था, इसलिए वो हर बार बेल आउट भी होता, जमानत भी मिलती और फिर जेल पहुंच जाता। कोर्ट के जज इतनी बार धनीराम को देख चुके थे कि एक दिन तो गुस्से में जज ने बिना सुनवाई के ही उसे कोर्ट से बाहर निकाल दिया। और ये तो छोटे मोटे नमूने हैं। एक बार तो उसने ऐसा कारनामा किया साहब कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिसाल बन गया। एक्चुअली धनीराम ने इस बार पूरे देश के पूरे सिस्टम को टारगेट किया था। एक ठग एक चोर वहां तक पहुंच चुका था जहां तक शायद कोई सोच भी नहीं सकता। बात दरअसल 1980 की है, जब अखबार में एक खबर छपी। खबर ये थी कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर दिए, जिसके ऊपर करप्शन के कुछ चार्जेस थे। अब एक जज के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला तो खबर बड़ी थी, लेकिन इसे लोगों ने अलग नजरिए से पढ़ा और धनीराम मित्तल ने अलग नजरिए से इसे पढ़ने के बाद वो झज्जर कोर्ट पहुंचा और केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ली। अच्छी बात ये थी कि यहां उसे कोई इतना नहीं जानता था, क्योंकि झज्जर उसका होम टाउन था।
और उसे जो कांड करने होते थे वो इस इलाके से दूर जाकर करता था, इसलिए इन्फॉर्मेशन निकालने में उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बस उसका शातिर दिमाग चल पड़ा। धनीराम ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक लेटर लिखा झज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम पर। ये लेटर उसी चीज के नाम से लिखा था जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने करप्शन केस में इंक्वायरी शुरू की थी। नीचे झज्जर कोर्ट के इंचार्ज के साइन किए, फिर उसे बकायदा एक सील बंद लिफाफे में रखा और झज्जर के एडिशनल सिविल जज के पते पर पोस्ट कर दिया। लेटर में उसने लिखा कि इंक्वायरी पूरे होने तक आप 2 महीने की लीव पर रहेंगे, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आप कोर्ट का कोई काम नहीं देखेंगे। अब खबर पड़ते ही जज साहब अगले दिन से ही छुट्टी पर चले गए। और धनीराम के फर्जीवाड़े का कारनामा यहीं पर खत्म नहीं हुआ, उसने एक और पत्र लिखा। दूसरा लेटर भी उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा जिसे झज्जर कोर्ट भेजा गया, जिसमें लिखा होता है कि चूंकि एडिशनल सिविल जज के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है इसलिए वो 2 महीने की छुट्टी पर होंगे, लेकिन काम काज सफर ना करे इसलिए उनकी जगह पर फिलहाल 2 महीने के लिए एक नए जज को अपॉइंट किया जा रहा है और उस जज का नाम है धनीराम, जो इतने तारीख से कोर्ट आकर अपना काम संभालेंगे। इसके बाद जो डेट लेटर में दी गई थी, उस दिन सुबह 9 बजे काले कोट पहने धनीराम कोर्ट में एंटर करता है और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। मुजरिमों को एक एक करके धनीराम के सामने पेश किया जाता है, जिनमें से कुछ की जमानत की अर्जी लगी हुई थी। धनीराम मित्तल पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ जमानत दे देते हैं, लेकिन वो जमानत उन केसों में देते हैं जो बड़े हल्के जुर्म के थे। कुछ ऐसे केसेस जो संगीन केस थे जैसे कि रेप के, मर्डर के, उस पर उन्होंने जमानत नहीं दी। पहले दिन की कार्रवाई खत्म हुई साहब, तो अदालत का सारा स्टाफ हैरान था कि एक दिन में इतनी जमानत। फिर उन्हें लगा कि जज साहब का मूड अच्छा होगा या जज साहब ज्यादा अच्छे इंसान होंगे। खैर ये सिलसिला चलता रहा। अगले दिन फिर से कोर्ट की कार्रवाई शुरू की। धनीराम ठीक 9 बजे आते और 5 बजे तक अदालत में बैठते, फैसला सुनाते और चले जाते। पूरे कोर्ट में नए जज के फैसलों की चर्चा होने लगी थी। वकील को भी ताज्जुब होने लगा कि जज साहब अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए, फटाफट बिना रोके बेल दिए जा रहे हैं। मुजरिम भी उनसे सिंपैथी रखने लगे। जेल में अपराधियों के बीच चर्चा होने लगी कि जज साहब तो बड़े अच्छे हैं। धनीराम को कानून की नॉलेज थी इसलिए वो विवादों से बचते रहे। यही वजह है कि उन्होंने जो फैसले दिए उसमें कुछ फैसले पूरी तरह से सही भी निकले। वहीं वो खुद 94 बार अरेस्ट हुआ, सैकड़ों बार अदालत में पेश हुआ है, तो उसे कोर्ट के कामकाज के बारे में अच्छा खासा तजुर्बा भी था। तो उसने अपने बिहेवियर से कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो अनाड़ी है। 40 दिनों तक धनीराम मित्तल झज्जर की कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाते रहे। हैरानी की बात तो ये थी कि इन 40 दिनों में उसने कुल 2470 लोगों को जमानत दी, जिससे लोगों को कुछ कुछ शक होने लगा। लोग आपस में बात करने लगे और जैसे ही ये बात धनीराम के कानों में पड़ी वो गायब हो गया। दरअसल 41वें दिन कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। वक्त बीतता गया लेकिन आज धनीराम नहीं आया। अगले दिन भी ऐसे ही निकल गया। अब सबको डाउट होने लगा कि बिना इन्फॉर्मेशन के जज साहब कहां गए। जांच शुरू हुई तो फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंची, वहां के रजिस्ट्रार तक पहुंची, जहां बताया गया कि जो नए जज साहब आपने अपॉइंट किए थे वो गायब हैं, पता नहीं कहां गए। तो पता चला कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कभी कोई ऐसा लेटर भेजा ही नहीं था। लेकिन अब ये था कि वो 40 दिन कोर्ट में आए तो बहुत सारे लोग उसका चेहरा भी पहचान गए थे। अब ये खबर वहां के लोकल न्यूज़पेपर में छपी। तब न्यूज चैनल, टीवी या सोशल मीडिया कुछ नहीं था। जब ये खबर छपी तो फिर हंगामा मच गया कि क्या कैसे हो सकता है। तब भी दिल्ली पुलिस में हरियाणा के बहुत से लोग नौकरी करते थे, वो लोग अखबार में फोटो देखते ही तुरंत धनीराम को पहचान गए कि ये तो दिल्ली में बहुत सारे केसेस में प्रोक्लेम ऑफेंडर है, पीओ है और दिल्ली का सबसे बड़ा कार चोर है, बहुत बड़ा जालसाज है, ठग है। और अब ये बात पता चली तो फिर हरियाणा से लेकर पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ तक में हंगामा मच गया था। अब चारों राज्यों की पुलिस सिर्फ एक आदमी के पीछे थी और वो आदमी था धनीराम, जो कई दिन की भागम भाग के बाद फिर से पकड़ा गया। लेकिन इस घटना ने धनीराम को इंटरनेशनल चोर बना दिया। अपराध की दुनिया में चार्ल्स शोभराज के बाद शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने चोर धनीराम मित्तल से ज्यादा नाम कमाया हो। चोरी की दुनिया में धनीराम मित्तल ने अकेले 1000 से ज्यादा व्हीकल चोरी किए और 94 बार गिरफ्तार हुआ। यही वजह है कि देश और दुनिया में धनीराम मित्तल को देश का सबसे बड़ा चोर माना जाता है। 5 दशक से ज्यादा समय तक ये शख्स चोरी और धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देता रहा, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब उसने जज बनकर अपने ही केस में फैसला सुनाया। साथ ही 40 दिन के अंदर हजारों कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया गया। उसने लंबे टाइम तक पुलिस की नाक में दम करके रखा और अब 21 अप्रैल 2024 को हार्ट अटैक की वजह से उसने जेल में ही दम तोड़ दिया। धनीराम भले ही चले गए लेकिन धनीराम के कारनामे पुलिस कभी भूल नहीं पाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है?